हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाएंगे इवनिंग स्नैक्स, और ये परफेक्ट इवनिंग स्नैक्स है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो कि गर्मियों से हमें बचाएंगी, जैसे कि प्याज और कैरी। तो प्याज और ये जो कच्चा आम होता है, ये हमें लू से बचाता है, जो भयंकर गर्मी होती है उससे बचाता है, और खीरा जो है वो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा। और इसके अलावा जो टमाटर है उसमें तो बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, टमाटर में विटामिन सी होता है, तो ये हमें कई रोगों से बचाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो इवनिंग स्नैक्स बनाने जा रहे हैं ये बहुत आसान है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और गर्मियों में आप इसे ज़रूर बनाइए और वीक में एक बार इसे ज़रूर बनाकर खाइए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों को शाम के समय भूख लगती है तो तला भुना और कचौड़ी पकौड़ी खाने से अच्छा है अगर हम इस तरह से स्नैक्स बना कर के उनको दें, तो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया मैंने। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो प्याज ले लिए, तीन टमाटर ले लिए, एक कच्चा आम ले लिया और एक बड़े साइज़ का खीरा ले लिया। अब सबसे पहले मैं खीरे का छिलका निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक विशेष बात है जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप खीरे को काटें तो खीरे के जो सिरे हैं उनको इस तरह से आप थोड़ा सा रगड़ लें, जिससे कि जो इसकी कड़वाहट है वो निकल जाती है। तो ये चीज़ करना ना भूलें। अगर हम इस तरह से इसको थोड़ा रगड़ देते हैं तो खीरे में जो भी कड़वाहट है वो निकल जाती है। तो अब मैं खीरे का छिलका निकाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं खीरे का छिलका निकाल लूंगी, प्याज का छिलका निकाल लूंगी, और जो कच्चा आम है उसे भी मैं छील लूंगी, और सभी चीज़ों को मैं बारीक कट कर लूंगी। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉपर का यूज़ करूँगी क्योंकि चॉपर में काम आसान हो जाता है और दो मिनट के अंदर हमारा ये इवनिंग स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने टमाटर का छिलका भी निकाला है क्योंकि कई बार छिलका होने की वजह से बच्चे टमाटर खाना पसंद नहीं करते, और अगर हम इसका छिलका निकाल देते हैं तो टमाटर इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो आसानी से खाया जा सकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कच्चा आम है उसका भी मैं इस तरह से छिलका निकाल रही हूँ। तो इस तरह से छिलका निकालने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस निकाल लेंगे क्योंकि कच्चे आम में जो गुठली होती है उसे हमें यूज़ नहीं करना है, इसलिए इस तरह से हमें छोटे छोटे पीसेस निकाल लेने हैं। और इस रेसिपी के लिए मैं बस इतना ही कच्चा आम यूज़ करूँगी और बाकी का मैं अगली रेसिपी में यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैंने सब्जियाँ ली थी उन्हें छिलका निकाल कर मैंने रेडी कर लिया है, और अब छोटे छोटे टुकड़े मैं इस चॉपर में डाल दूँगी और जिससे कि ये बारीक कट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चॉपर में डालने से हमारा काम आसान हो जाता है। अब हम बहुत सारी सब्जियाँ एक साथ इसमें डालेंगे और फाइन चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक इसे ना करें, थोड़ा मोटा मोटा टुकड़ा रहने दें। तो इस तरह से सबसे पहले स्टेप में हमने सारी सब्जियों को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं इवनिंग स्नैक्स बनाने जा रही हूँ ये लगभग 6 जनों के लिए मैं बना रही हूँ। आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें ली हैं इससे लगभग 6 लोगों के लिए इवनिंग स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसमें हम कुछ चटनियाँ भी डालेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें हरी चटनी, इमली की चटनी, और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए चाट मसाला, काफ़ी कुछ चीज़ें आप इसमें डाल करके इसका जो स्वाद है वो बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बारी बारी से मैं चीज़ों को चॉप कर रही हूँ।
तो यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर को इस तरह से चॉप कर लिया है और बाकी की चीज़ों को भी आप इसी तरह चॉप करके एक प्लेट में रखते चले जाइए। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में शाम के समय कुछ अलग खाने की इच्छा होती है और बच्चों को तो खास तौर पर लगता है कि कुछ वैरायटी खाई जाए, जैसे कि समोसे, कचौड़ी, बर्गर, मोमोज, इस तरह से बच्चे खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें इस तरह की हेल्दी चीज़ें बना करके दें तो उनकी भूख भी मिट जाएगी और उन्हें अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी और जिससे कि उनकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। तो कोशिश करिए घर पर अच्छी चीज़ें बना करके बच्चों को दें और ये जो चीज़ें हैं पूरे परिवार के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को चॉप करके एक प्लेट में रख लिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले इस बर्तन में ये सारी कटी हुई सब्जियाँ मैं डाल दूँगी और अब मैं इसके अंदर डालूँगी चावल के मुरमुरे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 कटोरी भर के चावल के मुरमुरे इसके अंदर डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये इवनिंग स्नैक्स आप जितने भी लोगों के लिए बनाएं उसके हिसाब से आप क्वांटिटी सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं ये 3 कटोरी इसके अंदर मुरमुरे डाल रही हूँ और इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार, भुने जीरे का पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे और इसके अलावा मैंने यहाँ पर इमली की चटनी डाली है और अगर आपके पास धनिया पुदीने की चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जिससे कि जो इसका टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसके अंदर चटनियाँ ज़रूर डालें क्योंकि चटनी डालने से इसका जो स्वाद है वो बढ़ जाएगा। और इसके अलावा आप कुछ नमकीन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, अगर आपके पास मिक्स वाला नमकीन है तो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप इसके अंदर नमकीन डाल रहे हैं तो वो सर्व करते समय डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने इमली की चटनी डाल दी है और अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और अगर आप मिक्स वाला नमकीन इसके अंदर डाल रहे हैं तो पहले से नहीं डालें, सर्व करते समय आप उसमें मिक्स वाला नमकीन डाल करके और तब सर्व करिए। पहले इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे अगर आपके पास हरा धनिया की चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लीजिए, तैयार है इवनिंग स्नैक्स, बहुत ही टेस्टी सा और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद भी आएगा, सबकी भूख भी मिटाएगा और सबकी हेल्थ का ये ख्याल भी रखेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैं सर्व कर रही हूँ तभी मैंने इसके अंदर ऊपर से बहुत सारा नमकीन डाल दिया, तो जो मिक्स वाला नमकीन आता है वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए और सर्व करिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और जब आप सर्व कर रहे हो तब आप इसमें 1/2 नींबू का रस डाल दीजिए, जिससे कि इसका जो स्वाद है वो और भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, लीजिए, तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और चटपटा इवनिंग स्नैक्स और गर्मियों में आप इसे ज़रूर बनाइए, ये फटाफट बन भी जाता है।
और कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। तो फ्रेंड्स ट्राई करिए रेसिपी, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।